हेलो फ्रेंड्स, अगेन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना फेशियल के बारे में बता रही हूँ कि घर पे आप केले से किस तरह से आप फेशियल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, आप देख रहे हैं पीवीएम सोनी, मैं हूँ पूजा। बिना देर के स्टार्ट करते हैं बनाना फेशियल एट होम। तो फर्स्ट स्टेप में आ जाता है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए मैं यहाँ पे बनाना पिल ले रही हूँ, केले का छिलका। आप इसी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करिएगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लीजिएगा और अच्छे से सर्कुलर मोशन में पूरा फेस में इसे रब करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि जितना भी डर्ट पॉल्यूशन है वो इजली आपके स्किन से रिमूव हो जाए। इनकेस अगर आप मेकअप किए हैं तो अपना मेकअप को रिमूव कर ले, उसके बाद फिर आप ये फेशियल को यूज़ करें। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बनाना के पिल से किस तरह से आप अपने स्किन को लाइट ब्राइट और वाइट बना सकते हैं। तो वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वो मेरा वीडियो। और बनाने के छिलके में भरपूर मात्रा में जिंक होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे स्किन को टाइट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको ब्लेमिशर्स, एक्ने, ये सब का प्रॉब्लम है तो वो सब कुछ ठीक करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप में आ जाता है स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाना का पल्प ले रही हूँ। आप चाहो तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में से पीस भी सकते हो। मैंने स्पून की हेल्प से इसे मैश कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा ये पेस्ट बन के रेडी हुआ है। तो मैं इसे अराउंड यहाँ पे 1 टेबल स्पून लूँगी और उसमें आप चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो या फिर आप उसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज देंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से धो लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ढीली पड़ गई है, आपका स्किन टाइट नहीं है और आपको फाइन लाइन, रिंकल, साइन ऑफ एजिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो सबको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। आपको एक ही बार में बहुत ही अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी स्क्रब करके आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा मेरा स्किन पूरा सॉफ्ट हो गया है। और अभी थर्ड स्टेप में आ जाता है मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे अगेन बनाना पल्प ले रही हूँ और साथ में हनी ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का हनी ले सकते हैं। तो अगर आपको इनकेस अगर आपको हनी सूट नहीं करता, आपके स्किन सेंसिटिव स्किन है, तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं उसके जगह। वो भी अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप मलाई यूज़ कर सकते हैं या फिर दही यूज़ कर सकते हैं और इससे ही अपना मसाज करेंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि जितना भी अभी ओपन पोर्स है हमारा, स्क्रब करने के बाद ओपन हो जाता है पोर्स, उसे मिनिमाइज करने में, क्लोज करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आपको मैं जिस तरह से स्टेप आपको बता रही हूँ आप उस तरह से मेरे स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये फेशियल का। अगर आप टीनेजर हो तो आप ये फेशियल को यूज़ कर सकते हैं। और अभी बहुत सारा फेस्टिव सीजन्स आ रहा है, दिवाली आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, भाई दूज आ रहा है, आप ये सब में आप ये फेशियल को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप दिवाली में ज़रूर यूज़ करिएगा फ्रेंड्स ये फेशियल को, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हम लोग पार्लर में जाके बहुत सारा महंगे से महंगे फेशियल कराते हैं तो वो उतना अच्छा रिज़ल्ट 1-2 दिन के लिए आप लोगों को देगा, लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके स्किन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा मसाज ख़त्म होता है और लास्ट स्टेप में आ जाता है फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाना पल्प ले रही हूँ फिर से, अराउंड ये 1 टेबल स्पून होगा। और उसके बाद आप चाहो तो उसमें मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप उसमें मसूर का दाल या फिर नॉर्मल आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके स्किन टाइप के हिसाब से जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेस्ट कुछ इस तरह से है और इसे पूरा अप्लाई करना है और मिनिमम आपको 15 से 20 मिनट तक इसे रेस्ट छोड़ देना अपने पूरे फेस में। आप चाहो तो ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगी कि आप अपने हाथ से ही लगाएं। कुछ
इस तरह से एक थिक लेयर लगा के 15 मिनट इसे रेस्ट छोड़ देना है, नॉर्मल पानी से धो लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा फाइनल फेशियल अभी कंप्लीट हो जाता है और लास्ट स्टेप में मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। तो मैं यहाँ पे आर्गन का ये फेस जेल यूज़ कर रही हूँ जो कि ये गुड वाइब्स का है, इसमें कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल है और हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा से ये हाइड्रेट रखता है। एकदम ये जेल बेस में है, बस थोड़ा सा लेना है और अपने स्किन में इसे मसाज करना है। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये फेशियल का रिज़ल्ट कैसा लगा और आप लोग ये फेशियल को यूज़ करिएगा तो आप लोगों को ये रिज़ल्ट कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये फेशियल को ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट इसका मिला और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।